तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से किसी वीडियो को अगर शूट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आता है तो आप उस वीडियो को अच्छे से नहीं बना पाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं कम्प्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ फिल्मोरा के क्या इंटरफेस होने वाला है, इसमें क्या क्या टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स टेकी में। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पे एडिटिंग कैसे करेंगे। तो हम लोग कोई फाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे वीडियो को एडिट कर सकते हैं, आप इमेज कैसे लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, आप ऑडियो को कैसे मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे माई एल्बम, ओके, ऊपर में दिख रहा है, तो इस फोल्डर को आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक वीडियोस को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, तो यहाँ पे सिंपली ज़ोमी शार्क को मैं कर लेता हूँ। ये मेरा वीडियो एक ये देखिए, तो माई एल्बम में जीरो था, वन हो गया। अब जैसे लोगो है तो मैं लोगो पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे जीरो है तो मैं अपने लोगो को कर लेता हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट। ये मेरा लोगो कहाँ चला गया, ये, तो ये हमारा लोगो हो गया। अब जैसे साउंड, मैं कोई एक ऑडियो को कर लेता हूँ यहाँ से, ओके, तो यहाँ पे करता हूँ क्लिक। उसके बाद ये देखिए, ये मेरा ऑडियो है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, ये आपका कहीं पर भी ऑडियो हो सकता है, ओके। अगर आपको किसी तरीके की और ज़रूरत है, मान लो इमेज, तो यहाँ पे आप इमेज कर लीजिएगा। इमेज किस चीज़ से आप रिलेटेड, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे चाहिए तो इमेज पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से इम्पोर्ट कर लीजिएगा। चलिए मान लीजिए कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड कोई बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब पे यहाँ पे इमेज कर लेता हूँ एक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोल्डर बना के आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से अपने फाइल्स को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक वीडियोस को इम्पोर्ट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे जो पहले से इम्पोर्ट मीडिया फाइल है जो था वो हट चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं है। अब कैसे करेंगे, अगर कोई दूसरा वीडियोज आपको यहाँ पे करना हो तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो फाइल में जाकर और यहाँ से भी इंपोर्ट मीडिया से किसी भी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके जहाँ भी आपका वो फाइल होगा उसको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट, ये देखिए दूसरा। अब देखिए, अब बात आती है कि आपको टाइमलाइन में इस वीडियो को लाना है। एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका फुटेज है, जो आपका वीडियोज है, जो इमेज है, आपको टाइमलाइन में लाना होगा, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। एक तो ये है कि इस प्लस पे क्लिक करिएगा तो टाइमलाइन में आ जाएगा। देखिए मैं प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ चुका है मेरा। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ टाइमलाइन को, मैंने बताया था कि यहाँ से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ये मेरा एक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करना है कि एक तो ये प्लस पे हो गया, आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां से उठाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए टाइमलाइन में। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा वीडियो भी आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए। चलिए मैं ये सबको पहले डिलीट कर लेता हूँ, ये मेरा वीडियो है, ओके। अब मैं यहाँ पे कोई प्ले कर देता हूँ और मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, यहाँ तक चाहिए सिर्फ। मान लो कि मुझे ये जो है यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो कैची का ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा, ये देखिए यहाँ कट गया। इसको अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से और आगे देखें इस वीडियो में और क्या क्या अच्छा है, जैसे मान लो कि ये चाहिए हमें, ये अच्छा है, तो यहाँ पर जो है कैची पर क्लिक करिए, कट जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, सिंपली डिलीट कर लीजिएगा, वेस्ट हो गया। अब यहाँ से फिर से प्ले करेंगे, अब मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ से क्या है ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उसके बाद वाला नहीं चाहिए। इसको चलिए फिर से आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, ये जो प्रोसेसर दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये चाहिए, इसका इमेज चाहिए मान लीजिए। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ से चाहिए, यहाँ पे कैची पे क्लिक करिए, कट हो गया। अब इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा सिलेक्ट करके, यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये आपका कंप्लीट हो गया, अब आप इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखिए ये हो गया। इस तरीके से आपको कट करना है वीडियो को और ऐड करना है। अब जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जैसे आपको मान लो कि ये कंप्लीट हो गया, कि दूसरा यहाँ पे आप चाहते हैं कि और मैं मेरा वीडियो उसमें से यहाँ पे लगाना है फुटेज, तो फाइल में जाइएगा, इम्पोर्ट मीडिया में जाना है, यहाँ पर से इम्पोर्ट कर लेना है आपको कोई भी और फाइल। चलिए मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ इम्पोर्ट पबजी का, इसको सिंपली प्लस पे क्लिक करिएगा, तो नीचे में ये आ जाएगा। ये नया मैंने फाइल अपना यहाँ पे इंपोर्ट किया, अब मुझे यहाँ से मैंने देख लिया प्ले करके कि ये मुझे चाहिए, ओके, मान लो कि ये चाहिए, बस यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक ये नहीं चाहिए, यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद वाला जितना भी होगा उसको कट कर लेंगे, सिंपली यहाँ से प्रोसीजर पर जाएंगे और कट कर लेंगे। तो ये मेरा ओके हो गया। अब फिर यहाँ से देखेंगे,
फिर आपको यहाँ से देखना है ये नहीं चाहिए, मान लो ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब मैं आगे देख लेता हूँ। ओके, अब मुझे मान लो कि आप मुझे यहाँ से चाहिए, राइट, यहाँ से चाहिए। अब मैं कैची उठाऊंगा, यहाँ से कट कर लूंगा, राइट। इसको पहले पॉज कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको कैंची पे कट। अब ये पार्ट नहीं चाहिए तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली डिलीट कर देना है, राइट। अब देखिए ये डिलीट हो चुका है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। आप चाहें तो ये यहाँ पे जहाँ पे 0, 15 ये दिख रहा है ना, ये जहाँ माउस है इसको पकड़ के आप ये छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। अब आप प्ले करके यहाँ से देख लीजिएगा कि मेरा कैसा फुटेज लग रहा है देखने में, जो वीडियो एडिट कर रहे हैं आप उसको कैसे चलिए। ये बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको क्या करिएगा, हल्का सा छोटा कर लीजिएगा इस तरीके से पकड़ कर कॉर्नर पर। अगर मान लीजिए इधर थोड़ा सा कट करना, कॉर्नर पर पकड़ के हल्का सा इसको छोटा कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आप वहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से प्ले करने वाला हूँ, देखने वाला कैसा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे, अब आगे भी आप देखते जाइएगा अपने वीडियो को, जो अच्छा होगा उसको कट कर लीजिएगा, जो खराब होगा उसको डिलीट कर लीजिएगा, इस तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए गाइस, अब एडिटिंग कैसे करना होता है वो तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो पार्ट आपका खराब हो उसको वहाँ पे इंस्टेंटली आपको उसको डिलीट कर देना है कट करके। अब जो अच्छा है उसको रखते जाना है, रखते जाना है, ओके। और जब पूरा जो आपका फुटेज है उस सब अच्छे पार्ट को आपने रख लिया टाइमलाइन पे, अब आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ने के लिए। आपने जो भी उसमें अच्छा मटेरियल था उसको तो आपने कट कर लिया, अब उसको जोड़ना है। तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ये मेरा मान लो कि अच्छा फुटेज है, ये क्या है मेरा अच्छा फुटेज है हम लोगों का, राइट। ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये। अब किस तरीके से इसको एडिट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब जो भी हमारा वेस्ट था, जो हमने रिकॉर्डिंग के टाइम में गलती किया था, वो सबको काट छाट कर लिया है। अब जो सबसे अच्छा वाला है वो यहाँ पे है। अब सिंपली यहाँ से प्ले करिएगा और देख लीजिएगा यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है मेरा। ओके, ये चल रहा है इस तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक चीज और गलती हो गया, देखिए प्ले करिए, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये आ जा रहा है सर्वर वाला। इसको हटाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है, आप इसको ट्रिम कर लीजिएगा पकड़ कर या कैंची से भी काट कर लीजिएगा। तो अब देखिए डायरेक्टली अब यहाँ से प्ले अगर हम इसको करेंगे, ये देखिए, तो इस तरह के जो मिस्टेक्स होंगे उसको बहुत बारीकी से आप इसको कट कर लीजिएगा, राइट। अब देखिए कुछ यहाँ पे फीचर्स और दे रखे हैं, ये तो हो गया कि आप इस तरीके से आप कट कर लेंगे। अब देखिए ये मैंने बता दिया है कंट्रोल जेड, अगर कोई गलती हो गया, मान लो कि मैंने यहाँ पे ये वीडियो था और ये गलती से मान लो कि डिलीट हो गया, तो अब डिलीट हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे, तो सिंपली कंट्रोल जेड करिएगा, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कंट्रोल जेड का, इसको करिएगा, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडिट, एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला सेम चीज ही वहां पर आएगा। आप अपने फुटेज को यहाँ पे कलर वगैरह कर सकते हैं, जैसे देखिए ये मेरा फुटेज, आप चाहते हैं इसको कलर करना तो सिंपली यहाँ पे क्या करिएगा, एडिट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से क्या करिएगा, कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो भी आप यहाँ से देना चाहते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन, यहाँ से आप ब्राइट भी कर सकते हैं, ये देखिए जितना आपको लगे उस तरह। तो ये कलर के लिए हो गया, ठीक है। अब डिलीट को बता दिया, अब यहाँ पे क्रॉप एंड जूम आपको बता चुका हूँ मैं, और फ्रीज फ्रेम, अगर आप चाहते हैं कि कोई यहाँ पे फ्रीज फ्रेम इंसर्ट करने के लिए इसी को आप फ्रीज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे फ्रीज कर दीजिएगा। तो ये देखिए एक जो है यहाँ पे ये फ्रीज हो गया, ये देखिए ना रुका हुआ ये आदमी, ये देखिए ये चल रहा है, ये देखिए रुक गया, यानी वो बीच में क्या हो गया कि फ्रीज फ्रेम। अब आपको डिसाइड करना है कितने टाइम का फ्रीज फ्रेम रखना। देखिए अगर आप कोई भी इमेज रखते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर वीडियो एडिटिंग आप अच्छे से करना चाहते हैं, अगर आप किसी फ्रेम को या किसी इमेज को अगर आप अपने वीडियो में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 सेकंड्स आप उसको यूज करिएगा, ये वीडियो एडिटिंग का रूल है। आपको 3 सेकंड कम से कम यूज करना है उस इमेज को। आपको होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 1 सेकंड या 2 सेकंड अगर आप यूज करते हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पर देखिए 6 है, मैं यहाँ पे मान लो कि 7 पे कर लेता हूँ, राइट, यहाँ पे ये 1 सेकंड पे, आप देखो क्या होगा, तो कितने जल्दी वो जो फ्रेम होगा वो पास हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो आपने लगाया क्या था वहाँ पर। एटलीस्ट आप 3 सेकंड का जो है कोई भी इमेज को लगाए उससे कम ना लगाए, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे है पावर टूल, ये सब बता चुका हूँ मैं, एडवांस कलर ट्यूनिंग, तो आपने एडिट कर लिया। अब बहुत अच्छे तरीके से जब एडिटिंग हो जाए आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे कि आप यहाँ पे साउंड मिक्सिंग का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ये देखिए ऑडियो मिक्सिंग, आप यहाँ से क्या करिएगा,
कि आप अपने ऑडियो का लेवल को मैच करवा दीजिएगा। ओके, यहाँ पे सुन लीजिएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करिएगा, इसको आप बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिएगा, कम करना हो तो कम करो। ये मास्टर है। अब मास्टर में क्या हो मैं बता दूँ कि मैक्सिमम आपको मास्टर में जो है क्या करना है कि इसको 6 और 0 के बीच में आपको रखना है, और ये जो है आपको यहाँ 0 पे, अगर आप 6 से अगर आप ऊपर रखते हैं, 12 पे अगर आप रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप जब ऑडियो, आप जब वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो आवाज़ जो है आपका बहुत ज़्यादा फटने लगेगा। तो आपको 0 और 6 के बीच में ही इसको रखना है, राइट। और यहाँ पे आप पैन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से किस तरीके का आप, तो यहाँ पे आप ऑडियो को मिक्स कर लेना है आपको पूरी तरीके से, राइट। ये हो गया। कोई म्यूजिक मान लो कि आपको ऐड करना, तो इस पर सिंपली क्लिक करिएगा। मैं एक म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ, मान लो कि आपका ये म्यूजिक है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। देखिए ये म्यूजिक ऐड हो गया, आप सुन लो। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे म्यूजिक ऐड हो चुका है आपको। अगर ये म्यूजिक मान लो कि आपने म्यूजिक यहाँ पे ऐड किया, आपको सिर्फ यहाँ तक म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैची का ऑप्शन है, उसको कट कर लेना है और बाकी का म्यूजिक आप डिलीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप दूसरा आपको म्यूजिक यहाँ पे लगाना है, तो दूसरा उसी तरीके से आप यहाँ से कर लीजिएगा, या पहले से आपने अगर यहाँ पे मीडिया में जाइएगा और अगर म्यूजिक को साउंड को अगर इम्पोर्ट कर रखा है, जैसे ये मैंने कर रखा, मान लें मुझे यहाँ पे ये चाहिए, इसको सिंपली क्या करिएगा कि उठा के यहाँ लानिएगा या प्लस पे क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद मान लें कि यहाँ से आपको ये चीज़ चाहिए, एक बार प्ले कर लेता हूँ, ये आवाज़ है, तो इस तरीके मान लें कि यहाँ पे ये चाहिए, तो इसको भी आप कट कर लीजिएगा सिंपली, जहाँ तक आप चाहें इसको कि मुझे यहाँ तक रखना है, उस भाग को रखिएगा, बाकी को हटा लीजिएगा। अब आता है टेक्स्ट एंड क्रेडिट। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पहले से ही दे रखे हैं डिफॉल्ट में, आप देख सकते हैं। ओके, आपको जो भी इसमें अच्छा लगे यहाँ पे, जहाँ पे भी अगर आपको इसको इंसर्ट करना हो, जहाँ भी आप इसको इंसर्ट करना चाहते हो, वहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड के कर्सर को रखिएगा, प्लस पे सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। तो गाइस ये जो हमारा है ये आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये योर टाइटल हेयर। आप कोई भी जो भी आपका होगा यहाँ पे सिंपली ये नीचे में जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट के बगल में आपको देखिए एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इनपुट टेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट इंटर कर लीजिएगा। जैसे अपना टिप्स टेकी है, तो मैंने यहाँ पे टिप्स टेकी लिख दिया। आप चाहें तो इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए रेड करना है तो रेड कर लीजिएगा। कितना ओपेसिटी आपको रखना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। आप अगर इसमें ब्लरनेस करना चाहते हैं तो ब्लरनेस कर लीजिएगा। अब बहुत सारा फीचर्स हैं यहाँ पे, देख लीजिए कर लीजिएगा। ओके, ये मैंने कर लिया। अब नीचे में देखिए यहाँ पे है योर टेक्स्ट हेयर। अब मान लीजिए कि फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे जाएगा और नीचे में ये वाला इस टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर इसको एडिट करना है तो इस पे, और इस पे अगर करना है तो इस पे कर लीजिएगा। और माने टिप्स टेकी यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल या जो आपकी मर्जी हो यहाँ पे कर लीजिएगा। मैं इसको मान लीजिए ब्लैक कलर में कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ब्लैक कलर आप देख सकते हैं, टिप्स टेकी यूट्यूब चैनल। जैसे आपका ये वीडियो अगर मान लीजिए स्टार्ट होता है, ये देखिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये जैसे स्टार्ट हो गया, टिप्स थे कि आपका स्वागत है। ओके, इस तरीके से चलेगा, उसके बाद आपका वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट एंड क्रेडिट को ऐड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ट्रांजिशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये वीडियो अगर हम प्ले कर रहे हैं तो डायरेक्टली आ जा रहा है। ये दो जो शॉर्ट्स हमने जो ऐड किए हैं यहाँ पे, ये वाला जो शॉर्ट्स है, देखिए ये जो दोनों शॉर्ट्स ऐड किए हैं, ये डायरेक्टली एक के बाद एक आए, तो वो आंखों के कभी कभी ना लगता है, चमक होता है। अब देखिए मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ, ये देखिए खट से आ जा रहा है, दिख रहा है आपको, मैं इसको कर लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको कई तरह के यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने ट्रांजिशन। आप जो चाहें, जो आपको बेहतर लगे यहाँ पे, आप उसको यूज कर लीजिएगा। जैसे मान लें कि मैं ये यूज कर ले रहा हूँ, राइट। देखिए मैं यहाँ पे मैं यूज कर ले रहा हूँ इसको, ये देखिए कितने स्मूथली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए कितने स्मूथली आ गया, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस पे भी आ जाए तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। देखिए इसको मैं प्ले कर लेता हूँ, देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से वो स्मूथ यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने एडिटिंग किया। ऐसा लगेगा कि एक बार में ही आपने यहाँ पे, तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन का यूज कर सकते हैं, बहुत स्मूथ। देखिए यहाँ पे ये जल्दी से आ जा रहा है, ये पहले जो हमारा चल रहा है जो प्रोसेसर का, इन्हें खट से आ जा रहा है।
अब इसमें आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये दूसरा स्टाइल से, तो उठा के यहाँ पे सिंपली आपको ये जो ज्वाइंट जहाँ पे होगा, देखिए मैं बता दूँ, ये जो दो फुटेज को जहाँ पे आपका ज्वाइंट होगा ना, उठा के बस वहाँ पे सिंपली रहेगा। अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए कितना स्मूथली आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब मैं कोई और दूसरा आपको उठा यहाँ पे लगा कर दिखा देता हूँ, एक सेकंड जस्ट वेट। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे ये वाला प्लस उठाता हूँ और यहाँ पे उठा कर इसको रख देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं प्ले कर लेता हूँ, राइट, ये देखिए स्लाइड हो गई है। तो जिस तरीके का आप यहाँ पे इफेक्ट आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी फिल्टर क्या है, फिल्टर में आप अपने हिसाब से इसमें क्या करते हैं, कलर आप डिसाइड कर दो। जैसे देखिए अभी मेरा कलर किस टाइप का, उस टाइप का है। अगर मैं ब्लूइश चाहता हूँ कि ब्लूइश हो तो उठा कर रख लूंगा, ये देखिए देख रहे हैं पूरा ब्लूइश हो गया। तो आप अपने हिसाब से इसको क्या करिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, राइट। अब ओवरलेज, ओवरलेज में भी आपको बताने की तो जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए इसको आप, कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सिनेमा स्कोप बनाए, ऊपर से जो क्रॉप आवाज आता है, बहुत सारा इफेक्ट है यहाँ पे। देखिए आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस में यहाँ पे एक आद करके दिखा देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक उठा कर रख लेता हूँ, ये देखिए ये क्रॉप लग गया है, हम दिख रहा है आपको नीचे में यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्रॉप लग चुका है। ओके तो ये हो गया, मैं यहाँ पर करके इस तरह लगा के इसको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए आपको दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए, ये देखिए नीचे से दो पट्टी लग गए हैं ना। अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो इसको आप जरूर यूज किया करें। ओके अब देखिए यहाँ से ये आंख का बटन है, ये दिख रहा है आपको आंख का बटन, यहाँ से आप किसी अपने लेयर को बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने बंद कर दिया, जब मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, राइट। तो ये चीज होता है एलिमेंट्स, आप यहाँ पे चाहें जैसे ये लव का है, मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। जैसे ये आपको अच्छा लगा तो इसको प्लस क्लिक करिएगा, आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो देखिए ऐड हो जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं इसके ऊपर से ऐड करूँ तो देखिए ये लव बन के आ जाएगा। अब जहाँ पे चाहते हैं इसको आप यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये छोटा हो जाए तो सिंपली देखिए ऊपर में यहाँ स्क्रीन को पकड़ लीजिएगा ऐसे, ये देखिए छोटा हो जाएगा, इसको एडजस्ट करके रख लीजिएगा यहाँ से, राइट। ये जो बना हुआ है अब करना क्या, ये देखिए ऐसे हाइड हो जाएगा। आप जिस भी लेयर पे आपको काम करना हो, जिस भी वीडियो को आपको, जिस ऑडियो को, जिस इमेज पे काम करना हो, उस पर आपको सिंपली पहले क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट लग उस पर क्लिक किया, अब मैं इसको अगर छोटा और करना चाहता हूँ, यहाँ पकूंगा छोटा कर लूंगा। तो गाइस अब नेक्स्ट जो है वो है स्प्लिट स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप चाहते हैं स्प्लिट स्क्रीन लगाना, तो इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे एक इधर और दूसरा इधर, तो यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे आपका फुटेज है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ये मेरा फुटेज है, इसको इधर लगा दिया, देखिए ये साइड में चलेगा वो। मैं इमेज के थ्रू इसको समझा देता हूँ, ओके। मैं रुके दो इमेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं एक यूट्यूब कर लेता हूँ और दूसरा जो इमेज है वो मैंने टिप्स टेकी का कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं यूट्यूब, और सेकंड में मैंने यहाँ पे लोगो एक लगा रखा था, इसको उठा के यहाँ पे सिंपली रख देना। ये देखिए दोनों साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे दो लग गए हैं यहाँ पे, राइट। और वीडियोज भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो यहाँ पे आप कई तरह के ये दो हैं, ये भी इस तरीके के अलग अलग तरीके के हैं, आपको जो पसंद आए आप यहाँ पे कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से आप अपने प्रोजेक्ट को आप बड़े स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस स्क्रीन पे क्लिक करिएगा और अपने जो कीबोर्ड होगा उसको स्पेस को प्रेस कर लीजिएगा और आप यहाँ से अपने वीडियोस को आराम से देख सकते हैं पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसा बना है मेरा ये, और डबल क्लिक करिएगा तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक। अगर आपने कंप्लीट यहाँ पे एडिटिंग कर लिया तो आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको पूरा फाइनली यहाँ पे देखना है, ऑडियो आप सेट कर लेंगे, बाकी कुछ मैंने बता दिया है यहाँ पे। अब इस मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट आपका फाइनल हो चुका है, आपने पूरा प्रोजेक्ट को एडिट कर लिया, ऑडियो देख लिया, उसका फुल स्क्रीन में यहाँ से आपको बता दिया कि कैसे चलाकर देख लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना लोगो लगा लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लोगो है मेरा, ये मीडिया पे क्लिक कर लीजिएगा लोगो, इस यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या करिएगा कि ये जहाँ पे आपका खाली होगा, ये देखिए यहाँ पर खाली है मेरा, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वीडियो का ऑप्शन है इस पर क्लिक किया और इसको आप क्या करिएगा कि बड़ा कर लीजिएगा। इसको एक बार मैं नीचे कर लेता हूँ, देखिए यहाँ से जहां तक आपका वीडियो बना होगा यहाँ तक कर लिएगा। अब बात आता है इसको छोटा करने के लिए, ठीक है। अब इसको छोटा कैसे करना है, देखिए सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हैं छोटा, यहाँ पर आप इसको छोटा कर लीजिएगा। छोटा करके आपको जहां भी इसको लगाना हो, जैसे ये साइड में तो यहाँ लगा लीजिएगा,
आपको जितना भी छोटा करना होगा इसको कर लीजिएगा, या आप चाहें तो इधर लगा लीजिएगा, आपका जहां दिल करे वहां आप इसको लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहां पर लगा लिया है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये यहां पर सही नहीं है, देखिए मैं इसको एक बार, आप चाहते हैं कि नहीं ये यहां होना चाहिए या थोड़ा नीचे होना चाहिए, इसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, छोटा बड़ा इसको कर लीजिएगा, राइट। अब लोगो लग चुका है। अब आता है कि सब्सक्राइब वाला, हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब वाले लगाते हैं कि, तो देखिए अब आपको क्या करना है, माई एल्बम पे जाना है और यहाँ पे आप फाइल पे जाइएगा। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया, यहाँ पे क्लिक करिएगा। डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगा, टिपस्टेकी पे जाऊँगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन हैंड वाला जो है मेरा पहले से यहाँ पे है, ये आ चुका है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, उठाकर यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन आ चुका है आपका। अब मैं इसी में बता देता हूँ आपको ग्रीन स्क्रीन कट करने के लिए। देखिए इस लेयर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा ग्रीन स्क्रीन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये अनचेक होगा यहाँ पे, आप इसको सिंपली कर लीजिएगा चेक यहाँ पे। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको कट करके देख लीजिएगा कि परफेक्ट कहाँ पे ये मतलब सही हो रहा है, कुछ कटना वटना नहीं चाहिए। मैंने कट कर लिया। अब मैं इसको जहाँ से आपको ये अच्छा लगे, जैसे ये यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है, देख लेता हूँ। हाँ ये देखिए सब्सक्राइब वाला है। अब इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ एडजस्ट यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पूरा जो है कर लिया। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आउटपुट यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्टिंग से इसको लगा देता हूँ, ओके। तो अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं इसको बड़ा स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ये देखिए सब कुछ आपका आ जाएगा। आप जहाँ चाहें उसको सब्सक्राइब वाला लगा लें, बेल वाला लगा लें, समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है, सब कुछ कंप्लीट आपका वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है। आप चाहते दो तीन जगह और रहे तो सिंपली यहाँ पे जाना है एडिट में, कॉपी और कहीं दूसरे जगह पे इसको ले जाइएगा और सिंपली क्या करेगा, पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए आ चुका है। एक तो आपका यहाँ पर ही हो जाएगा ये सब्सक्राइब वाला, और आप अगर चाहेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा सब्सक्राइब वाला। अब ये अगर आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए कि ये कंप्लीट हो गया है, मान लीजिए आप सबने सब कुछ आपने यहाँ पर कर लिया, लोगो वगैरह सब कुछ लगा दिया, अब इसको एक्सपोर्ट करना होगा, राइट। तो पहले आप सेव कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ से, या आप चाहें तो फाइल मैनेजर में भी जाके यहाँ पे फाइल सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिंपली फोर पे जाके और यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से ही कर लेते, दोनों कहीं से भी कर सकते हैं। इस पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे कई तरह की चीज़ें, आप YouTube के लिए बना रहे हैं तो सिंपली देखिए YouTube का आ गया है डायरेक्टली। आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं जो भी है, जैसे मैं डेमो दे देता हूँ, राइट। क्वालिटी 90:20:1080 रखिएगा। अगर आप इसको 4K में निकालना चाहते हैं तो आपको ये रखना है नीचे वाला 3840:2160, ये 4K हो जाएगा। अगर आप 2K में रखना चाहते हैं तो 90:20:1080 रखिएगा, ओके। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं अपने वीडियोस का तो आप यहाँ पे सिंपली आप क्या करिएगा दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टैक्स वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो टैक्स दे दीजिएगा, है ना, पब्लिक तो पब्लिक। तो ये डायरेक्टली क्या हुआ कि आपको यहाँ पे YouTube का अपना अकाउंट साइन इन कर लेना, ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट होकर और आपके YouTube में अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप टाइटल दे चुके होंगे, डिस्क्रिप्शन दे चुके होंगे और यहाँ पर टैग आपने लगा लिया होगा, तो डायरेक्टली क्या होगा कि जो आपका YouTube अकाउंट है वहां पर ये क्या होगा, डायरेक्टली आपको YouTube अकाउंट पे अपलोड हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको कंप्यूटर में सेव करके रखने के लिए तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, पहले नंबर पे इस पर क्लिक करिएगा MP4 और MOV। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप MP4 में निकालें, आप MOV में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप MOV में निकालिएगा तो ये थोड़ा बड़ा फाइल होगा, इसलिए आप MP4 में निकालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा, मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूँ, ओके। सेव कहाँ सेव करना है इसको, यहाँ पे लोकेशन चूज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। उसके बाद आता है रेजुलेशन 90:20:1080, सेटिंग पे यहाँ पे जाइएगा। उसके बाद क्वालिटी में आपको यहाँ पे बेस्ट कर लेना है। उसके बाद इनकोडर में यही रहने दीजिएगा HD 2.64 HD, ओके। रेजुलेशन ये सही है। अगर आप 4K में चाहते हैं तो आप नीचे वाला कर लीजिएगा 4096:2160 4K हो जाएगा आपका। अब आता है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट आपको यहाँ पे 25 फ्रेम रेट रखना है। अभी आता है बीट रेट, जो आपने आउटपुट निकाला उसमें कितना क्वालिटी आप देना चाहते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। अगर आप बीट रेट कम रखेंगे तो आपका कम MB का ये एक्सपोर्ट होगा, राइट।
अब जो है यहाँ पे 10,000 यहाँ पे रिकमेंड कर रखा है, 10,000 कीजिएगा। ऑडियो, ऑडियो यहाँ पे SSC है, दो चैनल, तो दो चैनल ही करिएगा आप, सिंपल रेट ये सब सही है। बीट रेट अगर आप चाहते हैं तो 200, मैं रिकमेंड करूँगा कि 256 आप रखिएगा बीट रेट यहाँ पे ऑडियो का, 256 राइट। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, आप सिंपली एक्सपोर्ट कर लीजिएगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे क्रिएटिंग मूवी, और ये तो गाइज मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे किस तरीके से क्रोमा को कट कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, साउंड को बता दिया, आप लोगो कैसे लगा सकते हैं, ट्रांजिशन, टेक्स्ट क्रेडिट, एवरीथिंग मैंने इसमें कवर कर लिया है। अगर मैंने कुछ इस पर कवर नहीं किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एक बात और कहना चाहूँ कि मैंने इसमें हेडफोन से ऑडियो रिकॉर्ड किया है और मैं इसमें टाइम की वजह से बता नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।